तो सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ वर्धमान, जहाँ पे कोलकाता है। यहाँ से मैं एक गांव में जाने वाला हूँ, जहाँ पे गांव के रीति रिवाज जो होता है वो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने हर जगह गया है लेकिन गाँव में नहीं गया है, शहर में भी गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा जो मुंबई का रहा ब्लॉग्स वगैरह, वो सब आप लोग के साथ शेयर किया। और आ गए हैं अभी कलकत्ता, और जो हावड़ा शायद आपने नाम सुना ही होगा, तो उस जगह पे हैं जहाँ पे आप लोग के साथ बहुत चीज़ें शेयर करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मेरा जो गाड़ी था इससे मैं आया, और अभी मुझे जाना है और बहुत सारे जगह। तो हम लोग गाँव का रीति रिवाज जो होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, हम वर्धमान में आ गए हैं। शायद आपको पता होगा कि ये कलकत्ता का एक शहर है, वर्धमान जंक्शन। जो आपको मैं बता दूं, पहले सबसे बड़ी बात ये कि सबसे छोटी बात है, और मैं वर्धमान में हूँ। मैं कलकत्ता के गांव में जाना चाहता हूँ। जैसे शहर हम लोग देखते हैं शहरों में क्या होता है, तो हम कलकत्ता के जो गांव होता है नियर बाई गांव, तो हम गांव के परंपरा जानते हैं कि क्या है कैसा है, क्योंकि परंपरा जानना भाई ज़रूरी है। शहर में मैंने बहुत कुछ देखा है, शायद आपने मुंबई का वीडियोस वगैरह देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा। तो मैंने इसलिए कि गया कि देखते हैं शहर में क्या है, तो मैं अब गाँव में जाना चाहता हूँ। और ये कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो भारत का पहला ये राजधानी रहा है। बहुत ये कलकत्ता में गाँव में जैसे आप पूजा करते हैं, यहाँ का पूजा का जो होता है ना वो पूरा का पूरा विधिवत होता है। पूरा एकदम मतलब ऐसे भाई पूजे होते हैं यहाँ पे कि मतलब मन मोहित कर लेता है पूजा को, मतलब देखने के बाद। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम गांव के चीज़ों देखने के लिए आए हैं। तो मैं बिहार से चल के कोलकाता में आ गया हूँ, और इस कोलकाता को देखना भाई बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी वर्धमान जंक्शन से हम निकलेंगे, कहीं और एक जगह है शायद कोई नियर बाई में। एक मेरा दोस्त था, वो बताया था कि कौन सी जगह है। बाकी वो मेरे दोस्त भी आने वाला है, मैं उससे भी आप लोग को बात कराऊँगा। लेकिन अभी मैं वहाँ से ना चल करके कहीं अदर जगह मैं अभी चलता हूँ। टिकट तो मिलना नहीं अभी, तो यार 5:30 बजे टिकट मिलेगा, तो शाम का टाइम हो गया है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ के जो पारंपरिक चीज़ें होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी।